ठंड काफ़ी है, मौसम ने करवट ली है और बारिश भी हुई है रात में, तो ठंड का मौसम बढ़ गया। आप देख रहे हैं, मैं भी पूरे ठंड को से मुकाबला करने के लिए जैकेट पहन के अब बैठी हुई हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड है। कल मेरे एक व्यूअर ने मुझसे सवाल किया था कि बच्चा 6 माह का है और वो दूध नहीं पीता है, तो उसके लिए क्या करें? तो आप ऐसा करें कि दूध पिलाना जारी रखें, माँ को कहें कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाना जारी रखें और साथ ही उसे ऊपरी आहार भी देना शुरू करें ताकि उसके खान पान पर प्रभाव ना पड़े, वह कुपोषण की ओर ना जाए। 6 माह के बाद बच्चे को आप दाल का पानी नहीं, दाल और भात जो होता है, भात को आप मसल दें, एकदम हलवा की जैसा मसल करके, और आप उसे 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे खिलाएं, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाएं। अभी लिक्विड डाइट दें उसे, दाल और चावल को मिक्स करके पतला तरल एकदम सा कर दें और आप उसे देना शुरू करें। जैसे वो जो मिश्रण होगा वो आपका इस तरह का होगा कि आप थाली में जब डालेंगे तो हल्का सा नीचे अपने आप गिरने लगे, इतना लिक्विड गाढ़ा होना चाहिए। तो आप उस तरह से 1 चम्मच 2 चम्मच करते करते धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाइए और फिर कटोरी पर आ जाएंगे आप, 1 कटोरी 2 कटोरी। उम्र के अनुसार आप ऐसा करें कि MCH कार्ड जो आपको मिला हुआ है उसमें सारी सूचनाएं अंकित। बच्चा चूंकि अब बढ़ रहा है, अब उसे माँ के दूध के अलावे ऊपरी आहार की भी आवश्यकता है, तो अब आप उसे ऊपरी आहार भी देना शुरू करें और उस आहार की मात्रा धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। कब कितना देना है यह आप अपने MCH कार्ड में भी देख सकते हैं, या नहीं तो फिर मेरे आने वाले वीडियो में भी आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आप उसे देख लेंगे। तो अभी बस इतना ही करना है कि माँ के दूध के साथ साथ उसे ऊपरी आहार देना शुरू करें। धीरे धीरे आप नमकीन मीठा हर खाने का स्वाद जब उसे आप चटाएंगे तो उसे पता चलेगा कि खाने का स्वाद कैसा होता है और तभी वह खाने को रुचि से खा पाएगा। तो इसलिए अभी से ही आप उसे आदत दिलाएं। घर में यदि सब्जियां बनती हो तो आप उसे धो दें और उसके बाद दें ताकि मसाले या तेल अधिक मात्रा में उसके खाने में शामिल ना करें। बच्चा धीरे धीरे पचाना शुरू करेगा, इसलिए शुरुआत में थोड़े थोड़े दे करके ही उसे आदत डलवाएं। तो आप माँ का दूध भी पिलाएं और ऊपरी आहार भी दें, इस प्रकार आप अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं और कुपोषण की ओर जाने से रोक सकते हैं। धन्यवाद, आप ऐसे ही सवाल करते रहें और ताकि मुझे जवाब देने का मौका मिले और इसी तरह मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देती। प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी करें। कुछ और यदि मन में जिज्ञासा है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उम्मीद करूंगी कि उसे भी पूरी कर सकूं। धन्यवाद।